हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। आपको पता है जितेंद्र आर्य क्लासेस में आपको क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आजकल जो है 5 प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, जिन्हें आप अफवाह कह सकते हो कि स्टूडेंट्स से इस कोरोना के टाइम पर एग्जामिनेशन फीस के टाइम पर ज्यादा पैसे लूटे जा रहे हैं, या उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। इस तरीके की 5 बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आज जितेंद्र आर्य क्लासेस आपको बताएंगे। तो आप उनको 1 by 1 देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी जो है इन्फॉर्मेशन सही। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन फीस के नाम पर आपको कोचिंग्स वाले या जो चैनल्स वाले हैं वो सारे लूटने पर बैठे हुए हैं। जैसे आपको आज इसके बारे में पूरी क्लियरिटी बताते हैं, वैसे इसका वीडियो भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देख लेना, उसमें एग्जामिनेशन फीस के ऊपर पूरा डिटेल है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपके आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जून में जो है आपके एग्जामिनेशन फीस जमा होती थी, वो आपकी खिसक के जुलाई में चली गई, फिर अगस्त में चली गई, और फिर धीरे धीरे अब सितंबर हो गया और अभी तक भी आपकी एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में डर है। मैं मानता हूं कि वो सोच के बैठे हुए कहीं अक्टूबर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो हम आपको बताते हैं, अभी ये 16 अगस्त से डेट निकाली थी, आपको पता है कुछ स्टूडेंट ने कोशिश की, लेकिन एनआईएस ने रिजल्ट इतना खराब निकाला था जिसकी वजह से अपडेशन में दिक्कत आई थी और कई प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, फिर आपका 10 दिन के बाद ही इसको वापस क्या कर लिया, खींच लिया, यानी कि मना कर दिया कि पहले और चीजों को आपका सॉर्ट आउट करेंगे, अपडेट करेंगे रिजल्ट्स को, तो उसके बारे में भी हम वीडियोस में बता चुके हैं। अब सबसे बेसिक बात आ रही है कि मैं आज जो है, मेरा एक कॉल पे बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, कोरोना के टाइम पे कैसे लूटा जा रहा है, उस बच्चे के 3 सब्जेक्ट है, उससे कहा जा रहा है मैं 5,000 रुपए आपके लूंगा, तब जाके आपकी एग्जामिनेशन फीस जमा कराऊंगा। अरे भाई, अभी तो जमा ही नहीं हो रही है, ना तो ऑनलाइन हो रही है ना ऑफलाइन हो रही है, आप जमा कहां से करा रहे हो? और इतना ज्यादा फीस, आपको आज फीस का सच बताता हूं मैं कि देखिए, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है, आपका क्या है, 3 प्रैक्टिकल है, 3 थ्योरी है, तो ये सबसे आपका इसकी सबसे ज्यादा फीस हो सकती है। बस ये इसलिए मैंने आपका बड़ा एग्जाम्पल लिया, नहीं 5 सब्जेक्ट बना के भी मैं आपको बता सकता था। आप ये देखिए, प्रैक्टिकल वाले में क्या होता है, 250 प्लस में 120 टोटल लगते हैं एक सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस। मान लिया 3 आपने ये भरे हैं और 3 थ्योरी के भरे हैं, 250 × 2/3, तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये, यानी कि टोटल आपकी 1860 और 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि 1900 रुपए, यानी कि पता चला 6 सब्जेक्ट में आपका 1900 रुपए के आसपास चार्ज लग रहा है। अगर जो है हम इसमें आप देखें कि उस बच्चे की बात बता रहा हूं मैं, अगर उसके 3 सब्जेक्ट है तो उसका 1000 से ऊपर फीस तो जानी नहीं चाहिए, चाहे कितने कैसे भी सब्जेक्ट हो। तो इस तरीके से बाहर आपको कोचिंग्स वाले, इस टाइम में जब आदमी के पास जो है गुजारा चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये जो आपका मनी है, अब आप सोचिए एक जगह 5,000 और 1,000 कितना डिफरेंस है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, एक एक अपडेट मिलेगी, कब एग्जामिनेशन फीस देनी है, कितनी देनी है, कैसे टीएम में जमा करना है, एग्जाम कैसे होना, तैयारी कैसे करनी है, सारा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अब स्टूडेंट के पास दूसरी दिक्कत यह है कि सर ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस जमा कब होगी? तो ये देखिए, अब जो है एनआईएस में थोड़ा सा क्या है, शांति आनी शुरू हो गई है सबका रिजल्ट खराब करने के बाद या कुछ भी चीजें देखने के बाद। अब वो क्या है, अब सबसे जो उनका काम है फीस निकालने का, तो वो 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में डेफिनेटली आपकी फीस की कोई ना कोई डेट आएगी और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और फीस एनआईएस जरूर लेगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर, ऑन डिमांड कंसेंट। ऑन डिमांड कंसेंट के स्टूडेंट भी आपका, उनमें 2 क्वेश्चन है कि सर 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो हमने कंसेंट भरी है उसमें क्या है, हमारा जो है फीस हमें क्या करनी है, जमा करनी है या नहीं करनी है। देखिए, पहली बात तो फीस आई नहीं रही है, अगर फीस का कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पता चलेगा। बाकी मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है कि नोएडा से पता चला है कि वहां पर जो एक बोर्ड अधिकारी है, उन्होंने साफ साफ कहा है
कि कोई भी फीस जो है आपकी अभी नहीं लेने के चांस है और ना लेंगे, क्योंकि वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले थे, तो उन स्टूडेंट का रिजल्ट जो भी गड़बड़ हुआ अब उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए तो एनआईओएस ने कहा उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब देखते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। फीस होगी भी तो नॉमिनल होगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता फीस होगी। अब आपका एग्जाम, तो सर अभी फीस ही नहीं जा रही तो हमारे एग्जाम कब होंगे? तो स्टूडेंट आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एग्जाम आपके 100% होंगे और अक्टूबर में कभी भी हो सकते हैं, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में या फोर्थ वीक के अंदर 100% आप ये मान के चलिए अक्टूबर के मंथ में आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का टीएमए ने, क्योंकि टीएमए ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रखा था। देखिए टीएमए में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सबमिट करते जा रहे हैं, जब से उन्हें डेट पता चली थी अक्टूबर 2020 के लिए तो मोस्टली 90% स्टूडेंट भर चुके हैं, लेकिन अब उनके पास दिक्कत आ रही है कि सर डैशबोर्ड पे शो हो रहा है कि नॉट सबमिटेड, तो ये आपका वो कंफ्यूज है कि कब तक अपडेट होगा, कहीं हमारे साथ इस तरीके का ना हो जाए जैसे अब की बार जो है अप्रैल 2020 वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो इसके साथ हमें क्या है, कई चीजें और ध्यान रखनी है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लास्ट डेट है 30 सितंबर। हो सकता है कुछ का आपका डैशबोर्ड पर दिखा रहा हो टीएमए सबमिटेड, आपका ऑनलाइन देखा जाता है, तो इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। ये इसके बाद अपडेट होने शुरू होते हैं हर एक साल, क्योंकि आप ये बताइए, मान लिया मेरा स्टडी सेंटर है, अगर मेरे पास क्या है अभी तक जितने भी आ गए, मैं रोज वहां पर नोएडा हेडक्वार्टर थोड़ी उसको सबमिट करने जाऊंगा ये रीजनल सेंटर में, वो जब डेट निकल जाएगी 30 सितंबर, उसके 4-5 दिन के बाद वहां पर जाके जमा कराया जाता है, मार्क्स मिलते हैं, तब आपका जो है इस तरीके से ये चलता है। इसका मतलब अभी आपका रिजल्ट अगर जो है अपडेट नहीं हो रखा टीएमए के मार्क्स, तो आप हैरान परेशान मत होइए, ये भी आपका अक्टूबर के महीने तक जा सकता है। और टीएमए आपको एक बार सबमिट करना है, अगर आप पहले करा चुके हो दोबारा बिल्कुल सबमिट नहीं कराना। टीएमए के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हो, आज आपकी किसी भी समस्या को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए टीएमए जमा करते टाइम आपने ध्यान रखना है, स्टडी सेंटर भी जमा कर सकते हो, रीजनल सेंटर भी जमा कर सकते हो, हेडक्वार्टर भी जमा कर सकते हो, लेकिन तीनों जगह से आपने रिसीविंग 100% लेनी है। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं ला पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो भी आने जाए वो रिसीविंग जरूर लेके आइए, स्लिप के तौर पर वहीं से मिलेगी आपको। या जो स्टूडेंट रीजनल सेंटर नहीं जा सकते, हेडक्वार्टर नहीं जा सकते और स्टडी सेंटर उनका क्लोज पड़ा हुआ है, तो वो क्या करें, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, टीएमए जमा कर सकते हैं। टीएमए के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेना। अब क्या है, आपका लेट फीस की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो अप्रैल 2020 वालों का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ या टीएमए की प्रॉब्लम थी, अब वो टीएमए जमा कराने जा रहे हैं, यानी कि उस टाइम जिन्होंने टीएमए जमा नहीं कराया था, अब नहीं कराया तो लेट फीस तो लगनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम रीजनल सेंटर पे जमा कराने गए थे, कुछ कह रहे हैं स्टडी सेंटर पर गए थे वहां पर लेट फीस नहीं ली गई है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है लेट फीस बहुत ज्यादा है, एक सब्जेक्ट की 1500 रुपए है। तो और जो अक्टूबर 2020 सेशन वाले हैं उनकी कोई लेट फीस नहीं है, ध्यान रखना, ये लेट फीस उसके लिए है जिन्होंने आपका क्या है पहले से एडमिशन ले रखा है और ओल्ड स्टूडेंट है एनआईएस के अंदर। अब हम चलते हैं आपका फोर्थ पॉइंट पर, ऑन डिमांड 2020 के स्टूडेंट जो है वो देखिए तीन कैटेगरीज में, आज सबका डाउट क्लियर कर देंगे। पहले अभी जो रिजल्ट आया वो 19 से 31 मार्च के बीच का है, उससे पहले वाले स्टूडेंट भी थे जिन्होंने ऑन डिमांड के एग्जाम दिए थे, इसके बाद ये भी है, तो तीनों के बारे में बताते हैं। ये स्टूडेंट जो पास हो गए ठीक है, उन्हें मार्कशीट मिल गई, जिन्हें नहीं मिली यानी कि एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, वो क्या करें, आपका सितंबर में या तो उनके एग्जाम होंगे या अक्टूबर के अंदर उनके क्या है आपके एग्जामिनेशन की डेट निकलेगी, यानी कि सितंबर या तो उन्हें क्या किया जाएगा सितंबर के मंथ के अंदर क्या दिया जाएगा डेट दे दी जाएगी जो ऑन डिमांड की अभी क्लोज कर रखी है, और ये जो अक्टूबर 2020 है या इसके अंदर जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले हैं उस सेक्शन के साथ फीस जमा करने की ऑप्शन दी जाएगी। दो सिचुएशन है आपके पास, यानी कि दो मंथ के अंदर आपकी फीस जो है जमा हो जानी है, वैसे सितंबर में ही हो जाएगी। अब ये 19 से 31 मार्च के बीच के जो है, देखिए आप पहले से 3 या 4 सब्जेक्ट में पास थे तो इसका मतलब एनआईएस आपको फेल कर ही नहीं सकता है। कई स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं एनसीआरडब्ल्यू आ रहा है, कई स्टूडेंट्स का अपडेट हो गया है 2-3 दिन में, क्योंकि इनका रिजल्ट अभी आया है,
तो अगर आपके रिजल्ट में दिक्कत है तो आप रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर जाइए, नहीं तो नोएडा हेडक्वार्टर अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड कर दीजिए, आपका रिजल्ट 100% अपडेट हो जाएगा। अगर नोएडा जाओगे तो 100% होना ही होना है, क्योंकि आप पहले से पास हो, आपके फेल होने का तो बनता ही नहीं है चांस। अब आपका क्या है, आफ्टर जो है इसमें, जो इसके बाद जिन्होंने भरा है तो उनके लिए भी यही है कि सितंबर में या तो टाइम निकलेगा या अक्टूबर 2020 के अंदर ऑन डिमांड का डैशबोर्ड पे ऑप्शन ओपन होगा 100%। अदरवाइज अक्टूबर 2020 वाले पब्लिक एग्जामिनेशन में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एनआईएस में स्ट्रीम चेंज होती नहीं है, लेकिन इस बार होने के चांस लग रहे हैं। अब आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2020, देखिए स्टूडेंट, मैं एक टीचर हूं, फ्रेंकली आपको बताता हूं कि अगर आप ये सोच के बैठे कि आपके एग्जाम नहीं होंगे तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। उसका रीजन क्या है, सीबीएसई के एग्जाम हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, जी के एग्जाम हो गए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आएगी एग्जाम कैंसिल होने, सबसे पहले हम ही देंगे। लेकिन आप मत सोचिए इस बारे में कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे, नहीं तो आप क्या है पढ़ भी नहीं पाओगे, एग्जाम तो कैंसिल होने ही नहीं है, सबूत मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए एग्जामिनेशन फीस जून के अंदर आपकी क्या है जमा होती थी, अब के वो खिसक के 2-3 महीने आगे चली गई है। प्रैक्टिकल आपके सितंबर में होते थे, अब की बार अक्टूबर में होने की चांस है, और एग्जाम आपके जो है 1 या 2 महीने आप सबको क्या कर दीजिए आगे आगे खिसका दीजिए, 1 महीना मेरी तरफ से और 2 महीने क्या है नेचुरली होने के चांस मुझे लग रहे हैं, कि यानी कि आपका रिजल्ट हो सकता है दिसंबर तक भी आए। तो ये आपका पैटर्न है, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं, इन सब चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, अगर आपको इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। और अगर आपको जो है हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है और व्हाट्सएप पे मैसेजेस की भरमार लगा दीजिए, जितेंद्र आर्य क्लासेस आपका डाउट क्लियर करने के लिए तैयार है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस।